विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आप उन्हें स्वस्थ रखे परमेश्वर, आप उन्हें भला चंगा रखे परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु ये आपके पीछे चलते हैं और आपने कहा है कि आप इन्हें दीर्घ आयु देंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं, ये लगभग सभी लोग क्या करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और जिम भी जाते हैं और अनेक प्रकार की बातें वो करते हैं। बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लंबी उम्र के लिए। कई लोग कॉमेडी शो देखते हैं ताकि वो खुश रहें और उन्हें लंबी उम्र मिले, वो स्वस्थ रहें, और अनेक प्रकार के मेथड लोग यूज करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। कई लोग समय समय पर अपना पूरा बॉडी का चेकअप भी करवाते हैं। हाँ, ये अच्छा है, ये करना बुरा नहीं है, सही है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारी उम्र परमेश्वर के हाथों में है। Yes. हमारी जो उम्र है, हमारे जो दिन है, वो परमेश्वर के हाथों में है। यदि हम पहले राजा उसका 3:14 पढ़ते हैं तो हमें वहां पर देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुलेमान के पास पहुंचा। सुलेमान ने दर्शन को देखा और परमेश्वर ने उसे दर्शन में इस बात को बताया कि यदि तू अपने पिता की तरह मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा, मेरे आज्ञाओं पर, मेरी विधियों पर चलता रहेगा, मेरे पीछे चलता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। यानी कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 31:15 में भी हम लोग देखते हैं भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथों में हैं। और यहां पर सुलेमान के लिए परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। यानी कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, परंतु परमेश्वर के हाथों में हमारे दिन हैं। यानी कि यदि आप अपने जीवन में लंबी उम्र को जीना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी उम्र को जीना चाहते हैं, तो यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। आप योगा कर, आप मॉर्निंग वॉक कर, आप बॉडी का चेकअप कर, दवाइयां लेकर कुछ हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, परंतु यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो केवल आपको परमेश्वर रख सकते हैं। और यदि आप परमेश्वर के करीबी में रहेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर सुलेमान से कह रहा है कि जिस प्रकार से दाऊद मेरे पीछे चला, जिस प्रकार से तेरा पिता मेरे पीछे चला, जिस प्रकार से वो मेरी आज्ञाओं को मानता रहा, यदि तू भी मेरी आज्ञाओं को माने, यदि तू भी मेरे पीछे चले, तो मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा, मैं तुझे स्वस्थ और भला चंगा रखूंगा, मैं तेरे दिनों को बढ़ा दूंगा। यानी कि यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, भले चंगे रहना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर की करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें। अब जितना अधिक हो सके उसके करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करते रहें और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। आप जानते हैं जब लाजर की मृत्यु हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर से जिला दिया और फिर से वो इस धरती पर जीवित रहा। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। राजा हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, वो मरने पर था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। अब चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप कैसी भी स्थिति में क्यों नहीं हैं, लेकिन यदि आप इस वचन पर भरोसा रखेंगे कि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में हैं, इसलिए आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके आज्ञाओं को मानते हुए चलना है, उससे अपने संबंध को मजबूत रखना है, तो परमेश्वर आपको लंबी उम्र से तृप्त करेंगे। परमेश्वर आपके दिनों को बढ़ा देंगे, न केवल आपके दिनों को बढ़ाएंगे बल्कि आपको स्वस्थ और भला चंगा भी रखेंगे। इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि जितना आप इन चीजों में अपने समय को देते हैं, उससे कई अधिक समय आप परमेश्वर की संगति में दें, और जब आप संगति में समय को देंगे तो परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
मैं सबको जय मसीह की। मैं वैशाली खंदारे महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे मेरी ये गवाही है कि मुझे बोलने नहीं आ रहा था। मैंने प्रेयर सेंटर में मैसेज डाला और भैया और दीदी और उसकी सब टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं अभी मुझे अभी बोलने आ रहा है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भैया और दीदी उसकी टीम हमारे एक परिवार का हिस्सा बन गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। So, हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है जो अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहा है, उन्हें एक बड़ी गवाही के रूप में खड़ा कर रहा है। सो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा काम करना चाहते हैं। प्रभु को आप मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामोनाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। आपका जो भी आज विषय है, जो भी आपके जीवन में दुख समस्याएं परेशानी मुश्किलें बीमारियां हैं, वो प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। सच में प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, आप दयालु कार्य पिता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप स्वर्ग में विराजमान है पिता के दाहिनी ओर उस सिंहासन पर परमेश्वर, हमारे लिए पिता से विनती करने के लिए, हमारे लिए प्रभु हमारी विनती को सुनने के लिए यीशु आप वहां पर विराजमान है। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रभु हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर। आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा खुदावन आपने वो नया जीवन, वो नई जिंदगी परमेश्वर आपने हमें दी है, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। हाँ परमेश्वर, वी ऑल आर न्यू क्रिएशन इन अ क्राइस्ट लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब तुझ में एक नई सृष्टि है, हम धन्यवादी हैं प्रभु। तू हमारा परमेश्वर है जो प्रभु जी हमें दीर्घ आयु देता है प्रभु जी, जो हमारे संग संग चलता है प्रभु, जो हमें प्रोटेक्ट करता है प्रभु, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमें स्वस्थ रखता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपकी स्तुति धन्यवाद और महिमा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर शाम में प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आपकी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन उनके जीवन में आपका कार्य हो पिता। आप पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से उन्हें भर दीजिए परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति उनके संग में बनी रहे प्रभु जी, खुदावन होने पाए कि वो महसूस करे प्रभु कि आपकी पवित्र उपस्थिति को वो महसूस करे परमेश्वर, कि वो एक जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हाँ मेरे यीशु राजा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, जो आपने ये सुंदर समय हमें दिया है, यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी गुनाह हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमारे गलतियों को माफ करें और हमें ऐसा जीवन दे परमेश्वर कि हम कभी भी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन पिता परमेश्वर पवित्रताई और सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाएं। और ये सब कुछ प्रभु आपके पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक के रूप में आपने दिया है उसके हेल्प के द्वारा होगा। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। विनती करती हूँ प्रभु आज की शाम में आपके बेटे बेटियों ने, हम सब ने मिलकर जो वचन पर मनन किया प्रभु, जो सुना परमेश्वर, सच में मेरे पिता जिस प्रकार प्रभु जी आपने सुलेमान से कहा कि यदि तू मेरी विधियों पर चले, मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, प्रभु आज की शाम में ये वचन मुझसे प्रभु, हम सब से, इन भाई बहनों से, जितने भी लोग आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक के लिए प्रभु आपका वचन कहता है कि आप इनकी आयु को बढ़ाएंगे प्रभु, क्योंकि इनके दिन आपके हाथों में है परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आप इनको एक ऐसा जीवन दे परमेश्वर, ये आपकी आज्ञाओं पर चल सके पिता, आपकी विधियों पर चल सके परमेश्वर प्रभु जी, और अपना जीवन तुझे समर्पित कर सके परमेश्वर। और प्रभु क्योंकि इनके दिन आपके हाथों में है, तो प्रभु आप इन्हें दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आप उन्हें स्वस्थ रखे परमेश्वर, आप उन्हें भला चंगा रखे परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु ये आपके पीछे चलते हैं और आपने कहा है कि आप इन्हें दीर्घ आयु देंगे। हाँ प्रभु, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, या फिर वो बीमार है प्रभु, हम आपसे
प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दीर्घायु दे, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन चाहे वो स्वस्थ रहने के लिए प्रभु कुछ भी करते हो, परंतु पिता फिर भी इनके दिन आपके हाथों में है परमेश्वर पिता। आप इन्हें स्वस्थ रखे मेरे परमेश्वर, ताकि स्वस्थ रहकर ये आपके नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज की सुंदर शाम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और विशेषकर इन भाई बहनों के लिए, इनके प्रार्थना निवेदनों के लिए, इनकी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, विपरीत समय के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन कि इनके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक मुश्किलें, हर एक बीमारियां आप दूर करें परमेश्वर पिता, और इनके जीवन में परमेश्वर हर एक मुश्किल का आप समाधान करें परमेश्वर। यदि आज ये कर्जे में है, यदि आज ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यदि आज इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां कि सब कुछ बिखरा हुआ है प्रभु, कुछ भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, घर में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, कलेश है, ऐसे समय में प्रभु आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवनों में अपनी असीम शांति को दे परमेश्वर पिता। आज की रात में प्रभु जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें पिता परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर दें। प्रभु जितने भाई बहन आज की शाम में अस्वस्थ हैं पिता, यीशु मसीह इनके दिन आपके हाथों में है पिता, हम कहते हैं इनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इनकी सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं, इनके सारे दर्द निकल कर चला जाए, हर एक रोग से ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता आपने कहा कि मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, हाँ प्रभु आप इन भाई बहनों को दीर्घायु दें, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परिस्थितियां विपरीत है, परंतु हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि आपने कहा मैं तुम्हें दीर्घ आयु दूंगा, मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, जिस प्रकार आपने हिजकिया राजा की आयु को बढ़ा दिया परमेश्वर पिता, आपने लाजर को मुर्दों में से जिला दिया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में भी, यदि बीमारी में है, अस्वस्थ है प्रभु जी, प्रभु बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है प्रभु, परंतु आपका वचन इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, आपने ने छू लिया और चंगा कर दिया हर एक वो बीमारी, हर एक उस रोग को जो इनके शरीर में लगा है, उसे आपने नष्ट कर दिया है यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने इन्हें कोरोना वायरस से आजाद कर दिया है प्रभु, आपने इन्हें वायरल फीवर से आजाद कर दिया प्रभु, हर एक उस बीमारी से जो इनके शरीरों को दुर्बल करती है प्रभु, उससे आपने आजाद किया है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की शाम में प्रभु जब ये अपने बिछौने में सोते हैं तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए, आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, और किसी भी प्रकार की समस्या इन्हें ना होने पाए पिता, बुरे सपनों का, नेगेटिव थॉट्स का अंत हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनती को सुना, इन भाई बहनों की विनतियों को सुना, इनका उत्तर हाँ और आमीन में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।